बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे मोजेज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने जितने भी ये हमारे डीलर हज़रात हैं, जो प्लेटिनियम ब्रदर्स हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारी शॉर्ट नोटिस पे सारे यहाँ पे तशरीफ़ ले आते हैं। उसके बाद मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया करूँगा, जनाब मोहतरम हमारे इज़्ज़त माब शेख आतिफ साहब, हमारे जनाब मोहतरम जनरल आरफ वड़ैज साहब, ब्रिगेडियर आफ्ताब साहब, और हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जनाब चौधरी नज़ीर साहब, और हमारे जो दो मेन हीरो हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ले कर चल के हैं, जिनका विजन था, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करें, जो ये चाहते थे कि हम लोग एक नई चीज़ मार्केट के अंदर लेके आएँ, जनाब चौधरी नदीम एजाज साहब और जनाब चौधरी साद नज़ीर साहब, और बुरैर भाई यहाँ पर बैठे हैं, फ़हीम भाई, वसीम भाई, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह हमारे सरदार याज साहब हैं पीजी मार्केटिंग से, हमारे एक कमेटी के अंदर इस तरह मतलब भाइयों की तरह हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे वकास साहब हैं, नासर गोंदल साहब हैं, इस तरह हमारी कमेटी जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है। खैर, अल्लाह पाक सारों को लंबी उम्र दे और इनको शिफा दे और इस तरक्की दे। सबसे जो मेन हमारा आज जो मकसद है ओवरसीज की बेल्टिंग, हमने जो अपने वादे किए थे वादे के मुताबिक ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ओवरसीज की फर्स्ट बेल्टिंग करने जा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले जब हमने जनरल ब्लॉक की बिल्डिंग की थी 5000 समथिंग प्लॉट्स की, तो आज अल्लाह के फजलो करम से आप देख सकते हैं कि उस जगह पे आज हम लोग वहाँ पे घर तमीर हो रहे हैं, और आप जब यहाँ से गुजरे तो जाके देख सकते हैं कि घर उस जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इंशाल्लाह विद इन मंथ वहाँ पे 200+ और मजीद घर वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। और आज हमारे कमर्शियल जो 2 प्लाट्स हैं 4-4 कनाल के, एक जनाब सरदार रियाज साहब और दूसरे जनाब ख्वाजा रियाज साहब, ख्वाजा सहेल साहब, इनके ग्रुप, आज उसको भी इंशाल्लाह ओपनिंग हम करने जा रहे हैं, यहाँ से जाके हम लोग उसकी भी इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा, आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं आपको पता है कि हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं हम अल्लाह के फजल से और अपने पूरी कमिटमेंट के मुताबिक आगे से आगे जा रहे हैं, और देखें आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ तक आपकी पूरी मेन कॉर्पोरेटेड रोड सारा कुछ हर चीज़ डन हो चुकी है। अभी आप देख लें कि टोटल 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी जो डेवलपमेंट की है, रोड्स उधर देख लें, उसके अलावा आप उसके हॉर्स मास्कोर देख लें, वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्कूल सिस्टम के 2 और 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह हम उसके एडमिशन भी स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों के ऊपर। वाटर थीम पार्क का हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, और नेक्स्ट मंथ से चाइनीज की कुछ कंपनीज भी यहाँ पे उनके विद इंजीनियर पूरी टीम के साथ यहाँ पे तशरीफ ला रही है। बाकी इस तरह के अभी जिस स्टार्टिंग में हम लोग कहते थे कि यार हम लोग अपना प्रोजेक्ट है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, वो हमें अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के सामने 24x7 यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट चल रही है, और इस टाइम पे मोर देन 1000 मशीनरी साइट के ऊपर काम कर रही है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से आगे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आगे चले जाएं उस जगह तक हमारी लैंड क्योर हो चुकी है, पूरी परचेज कर चुके हैं हम लोग, और इंशाल्लाह हम लोग 2-3 मंथ के अंदर अंदर जनरल ब्लॉक की मजीद 10 से 15 हजार प्लॉट्स की मजीद हम इंशाल्लाह उसकी भी बिल्डिंग करने जा रहे हैं। बाकी जो है इज्जत जो है रब के हाथ में होती है, वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपके सामने, कितने टाइम से बैठे हैं हम, खैर किसी के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपना आप वो खुद बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन हमें यह पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो अपने प्लेटिनियम ब्रदर के साथ जो कमिटमेंट की थी, जो उनके वादे थे, उसके मुताबिक वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी चीज़ें ऑन टाइम कर रही हैं। आप ये देख लें आज दिन तक इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें 3 ईयर्स के टाइम में इतनी लंबी किसी ने रोड बनाई हो, या उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में कोई इस तरह के प्लॉट्स किए हों और उसके ऊपर डेवलपमेंट की हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ऑन टाइम हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और हमने जो प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को हम लोग पूरा करते जा रहे हैं। बाकी जो देखें इज्जत रब के हाथ में होती है, उसने क्या करना है, जो टाइम और वादे जो चीज़ें मुकर्रर होती हैं उसके ऊपर करना होता है। हम लोग इंशाल्लाह जितनी हमारी कोशिश है, हमारी पूरी मैनेजमेंट मोस्टली जो आपके मेन जो 2 हीरोज हैं साद नज़ीर साहब और नदीम एजाज साहब, बाकी तो हम लोग इंशाल्लाह सारे सपोर्टर हैं इनके साथ जो भी वो कर रहे हैं सपोर्ट, जब तक है इंशाल्लाह हम इनके साथ पूरा शाना बशाना साथ चलेंगे। लेफ्ट राइट से दुनिया की बड़ी बड़ी आगे पीछे हर तरह की रुकावटें डालने की कोशिश की हैं, और यहाँ तक ये लोगों के नजरिए थे कि 35 कनाल जमीन है इनके पास, मेरे ख्याल में जो जो लोग मेन इंटरेस्ट से आए उनको आइडिया तो हो गया होगा कि 35 कनाल है या कितनी लैंड है। अभी जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आगे जाके नॉर्थ से आप जैसे लेफ्ट होंगे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आप आगे चले जाए वहां तक आपकी जमीन डोजर होके कम्पैक्ट पोजिशन में सारी चल रही है, वो हम इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ के अंदर दोबारा उसकी एक और बिल्डिंग करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो अपने वादे किए हैं, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक वो फेज है जो आप वहां से मशरक से
मगरब की तरफ आ रहे हैं। अब मगरब से मशरक से मगरब की तरफ जो जा रहे हैं मोटरवे की उस तरफ, वो इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो अभी पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लें, इंशाल्लाह फर्दर उसकी तरफ ही जाएंगे। अभी इस टाइम पे रिसेंटली जो डेवलपमेंट चल रही है वो 30 से 40 हज़ार कनाल के ऊपर चल रही है। बाकी अल्लाह पाक सारों को खुश रखे, और इंशाल्लाह जिस बंदे को जो भी कोई डाउट होता है, कोई मामलात होते हैं, वो मौके पे आ जाए करें, आके देख लिया करें, और सुनी सुनाई बातों पे ना जाए करें कि 35 कनाल या सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मजीद ब्लू वर्ल्ड सिटी इंशाल्लाह हर इवेंट मुख्तलिफ लोकेशन चेंज करके आगे से आगे जाता जाएगा, और आपको अच्छी से अच्छी खुशखबरियाँ दिला देगा। बाकी आप तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।